नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करूंगा मैं जियो भारत के बारे में, जियो फोन भारत के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स कि फ्रेंड्स कुछ टाइम बाद अपने आप ही स्विच ऑफ हो जाता है, और अगर हम चार्जिंग मतलब बैटरी फुल चार्ज है तो जैसे चार्जिंग पे लगाते हैं फ्रेंड्स तो ये थोड़ा सा गर्म भी हो जाता है मतलब कुछ टाइम के बाद। फ्रेंड्स, जैसे हमने बैटरी चार्ज कर ली तो उसके कम से कम 15-20 मिनट बाद ये पावर ऑफ होता रहता है। ऑन करते हैं कुछ टाइम लेता है, फिर से दोबारा जो कि पावर ऑफ हो जाता है। तो इसका कंप्लीट सलूशन दूंगा फ्रेंड्स, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इसको फ़ोन को खोल रहा हूँ, ठीक है। और खोलने के बाद फ्रेंड्स एक सिंपल सी ट्रिक आपको बताऊंगा जो आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ में आएगी और एकदम मतलब जेन्युइन ट्रिक है, काम वर्किंग है 100%, क्योंकि मैंने 2-3 सेट पहले भी किया है। तो फ्रेंड्स, आपकी कमेंट आ रही थी कि मतलब आप जियो भारत पे वीडियो बनाएं। फ्रेंड्स, एक बार इसकी जो कि है पूरा ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए जल्दी से इसको खोल लेते हैं, ठीक है। खोल लिया हमने, दो नोटिस की डिस्प्ले के नीचे भी मिलेंगे हमको, थोड़ा आराम से खोल लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये मोबाइल फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे लग रहा है जैसे वाटर डैमेज हो हल्का फुल्का, तो डला होगा फ्रेंड्स पानी में भी, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर इसकी जो टेपिंग है डिस्प्ले की वो उतार लेते हैं। तो दो नोट हैं ये भी खोल लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स वीडियो कट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप कंप्लीट वीडियो चाहिए थी फ्रेंड्स, आपकी कमेंट आ रही थी, तो कंप्लीट ही वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब बीच में कट वगैरह कुछ भी नहीं करूँगा और जो भी होगा मतलब आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये स्पीकर भी इसका बाहर निकाल लीजिए, विंगर भी, और तब मदरबोर्ड को पूरा बाहर निकालें, ठीक है। तो पूरा भी मत निकालो, तो अगर पूरा निकाल सकते तो पूरा निकाल लो, वरना फिर यहाँ से इसका जो एक टेपिंग और लगी है जियो की नाम, ये भी हमको ओपन करनी पड़ेगी अगर पूरा निकालना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये निकल चुका है, तो हमको पूरी उतारने की जरूरत नहीं है। तो जो फ्रेंड्स बैटरी कनेक्टर है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ एक बार। पहला जम्पर आपने लगाना है, जो बैटरी कनेक्टर है फ्रेंड्स, जो बीच का पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स यहाँ से, ठीक है, मैं आपका दिखा रहा हूँ आपको। और आगे का फ्रेंड्स कहाँ लगाना है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं जम्पर लगा लेता हूँ क्योंकि मैंने जम्पर बाहर निकाल ली है। और जो भी बैटरी कनेक्टर का आपका बीच का पॉइंट होता है फ्रेंड्स, वहाँ एक जम्पर लगाना है। और इसका जो आगे का मतलब जो दूसरा सिरा है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बीच का पॉइंट है आपका बैटरी कनेक्टर का, तो उस पर लगा लीजिए आप। थोड़ा सोल्डिंग भी कर लीजिए फ्रेंड्स ताकि अच्छे से चिपक जाए, लग जाए। तो मैं पहले थोड़ा सोल्डिंग कर लेता हूँ, देखिए फ्रेंड्स सोल्डिंग हो चुका है। अब जो जम्पर है हमारा फ्रेंड्स वो अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये जम्पर भी हम यहाँ पर ये लग चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये जम्पर हमारा एक कंप्लीट हो गया। और जो दूसरा सिरा है फ्रेंड्स, वो अपने जो इसकी कीपैड है फ्रेंड्स, ठीक है, एक मिनट मैं इसको पूरा फिट कर लेता हूँ। और ये इस तरह से लगाना है फ्रेंड्स, जम्पर आपका टूटे ना, तो मैं इसकी वायर यहाँ से निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये देखना फ्रेंड्स, ठीक है, ये लगा लिया मैंने। और कीपैड का फ्रेंड्स ये एक बार फिट कर लेता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, जूमिंग भी कम कर दी है मैंने। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको 6-9 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कितने पॉइंट है, यहाँ पर 9 पॉइंट दे रखे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने डबल टेप ले ली है, और डबल टेप से जो कि फ्रेंड्स कीपैड का ही सिरा ओपन कर। तो फ्रेंड्स आपने इस तरह से जम्पर लगाना है, ठीक है। तो देख लिया है, तो मैं यहाँ पर अपना जम्पर जो कि लगा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स इससे होगा कि आपकी बैटरी भी जो कि फुल चार्ज होने लगेगी और अच्छे से मतलब चार्जिंग होगी। तो थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो ये जम्पर बस फ्रेंड्स आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये जम्पर लगा लिया है, अब हमारा काम खत्म हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। अब सिर्फ हमने को जो बोर्ड में फ्रेंड्स बोर्ड को फिट करना है, बस इतना ही जम्पर लगाना है फ्रेंड्स, समझ गए आप। तो फ्रेंड्स जल्दी से इसको फिट कर लेते हैं, ठीक है। तो ले लीजिए फ्रेंड्स, वो इस बॉडी को मैंने जो कि फ्रेंड्स बोर्ड को इसको फिट कर दिया है। अब सिंपल सा आपने करना क्या है फ्रेंड्स, वो आगे मैं बताऊँगा आपको। अब जो आपकी प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स, एक तो मोबाइल गर्म होने की चार्जिंग पे लगाते टाइम, और दूसरी थी फ्रेंड्स आपकी जैसे 10-5 मिनट, 1-2 मिनट चल गए, 1 घंटे चल गए, आपका पावर ऑफ होना, वो बिल्कुल फिक्स सोल्यूशन हो चुका है। अब आपका मोबाइल पावर ऑफ नहीं होगा और ना ही चार्जिंग लगाने पर गर्म होगा। पहले क्या था फ्रेंड्स, चार्जिंग लगाते थे गर्म हो जाता था, चार्जिंग होता ही नहीं था। तो वो भी सोल्यूशन आपका हो चुका है फिक्स, और
पावर ऑफ वाला भी प्रॉब्लम आपकी दूर हो चुकी है। तो मैं इसको जल्दी से नेट लगा के इसमें फ्रेंड्स आपको चेक करा देता हूँ कि हमारा फ़ोन चालू हुआ या नहीं। तो बैटरी डाल देते हैं और एक बार इसको फ्रेंड्स में एक बार चार्जिंग भी जरूर लगाऊंगा आपके सामने। तो फ्रेंड्स ऑन मैंने कर दिया है, ठीक है। अब मोबाइल की बैटरी डाउन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो बैटरी आपने मैंने इसकी जब बैटरी चेक की थी फ्रेंड्स, बैटरी डाउन है, ठीक है। मैं इसको चार्जिंग पे लगा के ऑन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ उसकी बैटरी डाल के, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आइटल की बैटरी इसमें डाली है, तो एक बार फिर से हम चेक करेंगे वो बैटरी डाउन है कि ये बैटरी भी हमारी चार्ज है। अगर देखते हैं कि पावर ऑफ होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी बैटरी बिल्कुल ओपन चार्ज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चार्जिंग भी चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, पहले क्या था गर्म हो रहा था, लेकिन ये लीजिए फ्रेंड्स जी, मैं आपको बैटरी की इसकी कनेक्टिविटी भी चेक करा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये बैटरी डाउन है, ठीक है। इसमें 380 95